हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई एन पी शर्मा ऑन केमिस्ट्री अड्डा। ये हमारा सॉल्यूशन का तीसरा लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम आपको विलयन की सांद्रता के विषय में पढ़ा रहे थे। विलयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता रहे थे और इसमें हम जो यूनिट ले रहे थे वो थी वेट वॉल्यूम यूनिट। वेट वॉल्यूम यूनिट के अंदर हमने आपको दो यूनिट बता दी थी, एक स्ट्रेंथ और दूसरी मोलैरिटी, सामर्थ्य या शक्ति, और दूसरी थी मोलरता। आज हम इसी यूनिट की तीसरी इकाई लेंगे और वो तीसरी इकाई है नॉर्मैलिटी यानी कि नॉर्मलता। देखिए दोस्तों, वही डेफिनेशन नॉर्मैलिटी की बनती है जो हमने मोलैरिटी की बताई थी। मोलैरिटी में हमने आपको बताया था कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर 1 लीटर होगा और उसमें जितने सॉल्यूट के मोल डिजॉल्व होंगे वही उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता क्या है। तो आप कहेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि 1 लीटर तो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसके अंदर आपको देखना है सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट देखने हैं, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मैलिटी कहलाएगी। तो आपको नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई कि 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट मींस ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो आप समझ गए नॉर्मलता की परिभाषा। अब आप देखते हैं इसके फॉर्मूले को कि अगर हम कहें कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम वही चीज जैसा हमने मॉलरिटी में बनाया था, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू क्या, किसके ग्राम तुल्यांक के, सॉल्यूट की, तो हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वही चीज, ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो ये फॉर्मूला बना नॉर्मैलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप बात करते हैं, देखिए आपने ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय की ग्राम में मात्रा, जैसा हमने मोलैरिटी में लिया था, मोल का फॉर्मूला क्या बताया था, विलेय के ग्राम में मात्रा वटे मिले का विलेय का अणु भार। तो वही चीज है, जहां हम मोलैरिटी में सॉल्यूट का अणु भार यूज करते थे वहां नॉर्मैलिटी में सॉल्यूट का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट
ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम एक्विवेलेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अपन देखिए ये चीज क्या है, ये है ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम एक्विवेलेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसके स्थान पर ये चीज पुट कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मेलिटी की जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब क्या रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वही किसमें, लीटर। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर हमें इसे इंडिकेट करें तो देखिए नॉर्मेलिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट को मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, इनटू सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन वी से, और ये किसमें होना चाहिए, लीटर। तो इसको हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल के आया कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। अब वही चीज जैसा हमने कल किया था, इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला निकल के आया है हमारे पास, n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी इन लीटर। वही चीज मैंने जो आपसे कल कही थी कि व्हाट इज दिस डब्ल्यू अपॉन वी, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ये विलयन की सामर्थ्य यानी कि शक्ति है किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। तो यहां से हम ये कह सकते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन एक्विवेलेंट वेट, और ये स्ट्रेंथ किसमें है, ग्राम प्रति लीटर। तो n इक्वल टू हो गया स्ट्रेंथ अपॉन एक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही अगर मुझे केवल स्ट्रेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ लानी है तो n इंटू ई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर किसी का सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ चाहिए और नॉर्मेलिटी दी हुई है तो आप क्या करोगे, नॉर्मेलिटी में उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट का एक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो अपन निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी तो किसकी है, सॉल्यूशन की, इनटू ई मींस एक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। एक्विवेलेंट वेट किसका है, सॉल्यूट का है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, विले का तुल्यांकी भार, ये होगा विलयन की सामर्थ्य इन ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ की बता देंगे। ये आपका नॉर्मेलिटी से संबंधित फॉर्मूला। एक चीज मैं आपको फिर बता देता हूं, यदि मान के चलो आपको वॉल्यूम
लीटर में नहीं दिया हुआ है बल्कि मिलीलीटर में है, एमएल में है। तो आप क्या करेंगे, वही सादा सी बात, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। लेकिन अगर आपको ये किसमें दिया है, एमएल में, चलो मैं यहां अलग से मार्क करता हूं, वी एमएल में दिया है, तो आपको हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो वी का ही माना चाहिए, लीटर में आना चाहिए। तो हमें इस एमएल को किसमें चेंज करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब आप जानते हो एमएल को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको वी एल निकालना है, लीटर वाला वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वी एमएल में 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक लीटर में कितना एमएल होता है, 1000, 1000 एमएल होता है। तो हमने क्या किया, जो यहां वी लीटर था उस वी लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी एमएल अपॉन ए 1000, वी एमएल अपॉन 1000। अब आप देखें ये 1000 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो एन इक्वल टू W अपॉन E इंटू वी इन एम एल इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो अगर आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं है, यदि आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो 1000 का मल्टीप्लाई है। क्यों हुआ ये 1000 का मल्टीप्लाई, वो मैंने यहां बता दिया, क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम एमएल में है तो उसे आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, और लीटर में चेंज करने के लिए उसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मेलिटी। अभी यहां हम एक चीज और देखेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोडलिटी में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोडलिटी, यानी कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए थे, अगर हम मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी पर आप मोलैरिटी क्वेश्चन हमने क्या बताया था, डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आया था, मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अभी अभी निकल के आया है, डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो आप इनकी देखें, अगर मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दूं तो आप क्या क्या निकल के आएगा, एम अपॉन एन इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इन लीटर अपॉन वेट अपॉन एक्विवेलेंट वेट इंटू वी अपॉन लीटर। यहां आप देखें वेट से वेट कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, एम अपॉन एन इक्वल टू, अब ये कहां चला जाएगा, ऊपर, सो ई अपॉन एम नॉट। अब यहां आप देखें m फॉर मोलैरिटी, n फॉर नॉर्मेलिटी, e फॉर एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड m नॉट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये विलेय का तुल्यांकी भार है और ये विलेय का अणुभार है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अभी आप एक चीज और देखें, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करूं, एक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में, तुल्यांकी भार और अणुभार में, तो आप जानते हो एक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर,
वैलेंसी फैक्टर यानी कि आप ये मान के चले संयोजकता, संयोजी गुणांक होता है वो वैसे। तो ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है उस पदार्थ के अणु भार अपॉन उस पदार्थ का संयोजी गुणांक यानी कि वैलेंसी फैक्टर। अब आप देखें यहां से मैं E की स्थान पर क्या पुट कर सकता हूं, एम नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सो एम अपॉन एन इक्वल्स टू ई, ई की जगह हम डाल देंगे एम नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन एम नॉट, ये हमने डाल दिया। अब आप देखें क्या निकल के आएगा, एम अपॉन एन, एम नॉट से एम नॉट गया, क्या बचा वन अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सो यहां से आप देखेंगे क्या आया, एन इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन क्रॉस एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये आपका निकल गया। अगर किसी पदार्थ की नॉर्मल टी ज्ञात करनी है, नॉर्मलता, तो आप उसकी मोलरता में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन आ गया। अब समस्या यह आ जाती है कि सर व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर जैसे आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान के चलो हमने कहा NaCl, NaCl का वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना है। तो आप ये देखो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस में होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो इसका जो संयोजी गुणांक है, वैलेंसी फैक्टर है, वो कितना आ रहा है, प्लस वन या माइनस वन। तो इस स्थिति में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना माना जाएगा, वन। ऐसे ही मैं बात करूं CaCl2, अब इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप देखो इसको डिसोसिएट करोगे तो कैसे करोगे, Ca2+ बनेगा और Cl- के कितने बनेंगे, 2, यानी कि एक Cl- और ऐसे ही मैं कहूं दूसरा Cl-। तो अगर आप देखें यहां पर प्लस का संयोजी गुणांक कितना आ रहा है, 2, और माइनस का 1 इस पे और 1 इस पे, इसका मतलब ये भी कितना आ गया, 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना माना जाएगा, 2 माना जाएगा, किसका, CaCl2 का। तो आपको वैलेंसी फैक्टर देखना है कि जब वो पदार्थ मैटर या सॉल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा तो उस समय उस पर कितना वैलेंसी निकल के आता है, तो वो उसका वैलेंसी फैक्टर माना जाएगा। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है। जैसे मान के चलो मैं आपसे बात करता हूं कि H2SO4 की नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है मान के चलो 2N, और इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब आपको निकालना क्या है, मोलरिटी। सो मोलरिटी इक्वल टू एन अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी कितनी है आपके पास, 2 अपॉन, अब आप देखें कि मोलरिटी, मोलरिटी निकालने वैलेंसी फैक्टर देखना है तो आप इसको डिसोसिएट करके देखो। इसको डिसोसिएट करोगे कैसे करोगे, देखो एक तो एच प्लस के बनेंगे 2 और प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां पे देखो प्लस का संयोजी गुणांक भी कितना आ रहा है, 2, माइनस का संयोजी गुणांक भी कितना आ रहा है, 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इसकी मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं।
और वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए मैं एक अलग से लेक्चर ले लूंगा, उसमें बता दूंगा कि वैलेंसी फैक्टर को और किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। तो बात आती है कि चलिए हमने एक तो नॉर्मेलिटी एंड मोडलिटी के बीच में रिलेशन सीख गए। अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी है तो हम उसकी मोडलिटी तक पहुंच सकते हैं, या मोडलिटी दी है तो उसकी नॉर्मेलिटी तक पहुंच सकते हैं। एक बात और है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मोडलिटी की यूनिट क्या होगी, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है तो देखो मोडलिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर, ऐसे ही नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम एक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको इनकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो मोलैरिटी की मोल पर लीटर हो गई और नॉर्मेलिटी की ग्राम एक्विवेलेंट पर लीटर हो गई। एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे लिखा जाता है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डायरेक्ट नहीं दी जाती, और वो भाषा में कहता है लैंग्वेज में कि एक सॉल्यूशन है वो मोलर सॉल्यूशन है। तो कुछ इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं, जैसे मैं कहूं मोलर या नॉर्मल। तो मोलर का मतलब अंडरस्टूड है अपने आप कि उसकी जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी है, वन। ऐसे ही नॉर्मल शब्द लिखा आ रहा है तो उसकी नॉर्मेलिटी है वो कितनी है, वन। तो आप कहें कि एक सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन में अंडरस्टूड है कि उसकी मोलरिटी वन है। ऐसे नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, वन है। ऐसे ही मोलर के स्थान पर आपके आ गया सेमी मोलर या सेमी नॉर्मल। ऐसे ही डेसी मोलर या डेसी नॉर्मल। ऐसे ही पेंटी मोलर या पेंटी नॉर्मल। ऐसे ही पेंटा मोलर या पेंटा नॉर्मल या डेकामोलर या यहां आप कह सकते हैं डेका नॉर्मल। तो इनका मींस पता होना चाहिए कि जैसे हमें पता मोलर का मींस है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी वन है, तो ऐसे ही सेमी मोलर का मींस है कि उस कोई विलयन कोई सॉल्यूशन अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन है तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि उसकी मोलैरिटी हाफ, वन बाई टू, ये वन बाई टू है। डेसी मोलर मींस वन बाई टेन, पेंटी मोलर वन बाई फाइव, पेंटा ओनली फाइव, पेंटा फाइव एम होता है और पेंटी वन बाई फाइव एम होता है और डेका होता है टेन एम। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट भी लिखे जा सकते हैं, ऐसे ही जैसे इसमें किया है मैंने इसमें कर सकता हूं। सेमी नॉर्मल मींस क्या होता है, वन बाई टू एन, अर्थात सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.5 n होती है, 0.5 n, वन बाई टू इक्व टू 0.5। डेसी नॉर्मल बोले तो 1/10 इक्व टू 0.1 n, पेंटी नॉर्मल 1/5 इक्व टू 0.2 n, पेंटा नॉर्मल 5 n और डेका नॉर्मल 10 n। तो इन वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए कि डायरेक्ट कह दिया जाए कि एक सॉल्यूशन है डेसी मोलर का, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, 0.1 n, क्योंकि डेसी मोलर मीन्स क्या होता है, 1/10, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, 0.1 n। तो अब हमने कॉन्सेंट्रेशन की
वेट वॉल्यूम यूनिट पर आधारित तीन इकाइयां पढ़नी है। एक हमने बता दिया आपको कौन सी, स्ट्रेंथ, दूसरी हमने बता दी मोलैरिटी और तीसरी हमने बता दी नॉर्मैलिटी। एक इकाई और है वो है फॉर्मैलिटी। अब देखिए हमने ये तीन इकाइयां पढ़नी है, तीन यूनिट हमने पढ़नी है। अब इन तीन यूनिट पे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा और इस यूनिट को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आप तब तक जितना पढ़ा दिया है उस पे आप न्यूमेरिकल करने का प्रयास करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।